हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है और शायद वीडियो अपलोड होने को अभी टाइम लगे क्योंकि वाईफाई से अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, आज आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, मैंने एमओ ऑर्डर कैंसिल कर दी थी। मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, उसके बाद ही मैं जजमेंट लूँगा कि मैं बाय करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने आज जो देखा कि सबरे नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही थी, तो मैंने 45.75 से ऑर्डर लगा के रखी थी जो मेरे एग्जीक्यूटिव हो गई, जबकि क्लोजिंग हुआ 46.75। तो 1 रुपये कम में मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मिले। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, बट आज लिए, थोड़ी बहुत बाइंग की। तो मैंने इसीलिए एमओ ऑर्डर कैंसिल करके मार्केट में देखा ट्रेडिंग हो रहा है, तो वो हिसाब से मैंने ऑर्डर लगा के रखा था और मेरे रेट में मुझे आज ब्राइटकॉम ग्रुप मिल गया, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अपर सर्किट में भी जा सकता है, बट नॉर्मल ट्रेडिंग होने की संभावना है और गिर भी सकता है, बट नॉर्मल ट्रेडिंग हुई इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा था, क्योंकि डायरेक्ट एम ऑर्डर में लगाते थे तो अपर सर्किट में मिलता था। इसीलिए मैंने थोड़ा नीचे के रेट में बाइंग रेट लगा के रखा था नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होने के बाद, तो उसमें एग्जीक्यूट हो गया। आज आप देखोगे तो ऊपर नीचे जा रहा था, बट अपर सर्किट में गया, मतलब लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स था या जो आंसर्स थे वो लोगों को कन्विंस हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने जो भी जवाब दिया है उससे इन्वेस्टर लोग सेटिस्फाइड है, उसी का इफेक्ट हमें देखने को मिला कि आज भी मार्केट गिरा, फिर भी ब्राइटकॉम ग्रुप नॉर्मल ट्रेडिंग किया बट बाद में अपर सर्किट में क्लोज हो गया। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था CFO को भी अवार्ड मिला है ब्राइटकॉम ग्रुप के, तो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में इम्पैक्ट पड़ा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर ब्राइट है, तो इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर भी रिस्पांस देकर आज भी मार्केट गिरा, फिर भी ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर अपर सर्किट में क्लोज हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और फ्रेंड्स, आज अगर वॉल्यूम देखेंगे तो NSE पर अराउंड 1.05 करोड़ एंड BSE पे अराउंड 58 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, अराउंड 1.65 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। और पेंडिंग ऑर्डर भी अच्छी खासी थी NSE और BSE मिलाकर, जब ट्रेडिंग चल रहा था, जब करीब 26 लाख की ऑर्डर पेंडिंग थी, मार्केट चल रहा था जब भी, बाइंग के लिए लगी हुई थी, तो वो भी अच्छी बात है, मतलब अभी भी लोग बाइंग के लिए लगे हुए थे। आज लास्ट डील भी हुई है ब्राइटकॉम ग्रुप में करीब 45 लाख की, जो कि 8 से 9 लास्ट डील हुई आज, तो लास्ट डील भी हुई, तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिव है, अच्छा चल रहा है। अभी इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 52 पे और नेक्स्ट आएगा 58 पे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। आज मार्केट डाउन था, कल भी अगर मार्केट डाउन रहा तो हो सकता है कल थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, और अगर कल मार्केट में तेजी रही तो कल भी ऊपर जाने के चांसेस है। बट मैंने बार बार कहा है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा और फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में जिसको कॉन्फिडेंस होगा वो लोग इसको बाय कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको डर लग रहा है वो थोड़े थोड़े बाय करके बाद में एग्जिट भी कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करके, और वेट कर सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आने का। दोनों टाइप के लोग होते हैं, दोनों टाइप के कॉन्फिडेंस का बात है, तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। बट ओवरऑल देखा जाए तो 36 रुपीज़ से अभी 46 रुपीज़ तक पहुँच गया है, तो काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया है अगेंस्ट द मार्केट विश, अगेंस्ट द मार्केट सेंटिमेंट। ब्राइटकॉम का शेयर भाग रहा है, सो लेट्स होप कि जल्दी ही ये 52-58 को पार करके 60 रुपीज़ तक जाए इस बार, तो देखना यह है कि कल क्या होता है। बट ओवरऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने आज जो कभी बाय कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा ब्राइटकॉम ग्रुप से। काफ़ी लोग ज़्यादा रेट में अटके हुए हैं, लेट्स होप कि उनके रेट तक ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर पहुँचे और उनका लॉस जो दिख रहा है वो कम होते जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।